नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं मनचाहा न्यूज और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक गढ़वा जिले की है, जहां आज सुबह में यूपी और बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली ग्रांड ट्रैक रोड जीटी रोड का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से वहां की सारी गाड़ियां डाइवर्ट होकर गढ़वा की ओर आ रही है। जो NH 75 गढ़वा की जो सड़क है जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उस पर आज लगभग 4 से 5 घंटे तक जाम देखा गया। मैं बता दूँ कि ये जो सड़क है, जो रोड है गढ़वा से उत्तर प्रदेश को जाने वाली रोड जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, वो जितनी भी गाड़ियां हैं डाइवर्ट होकर आ रही है, इस मार्ग से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर रुक कर रही है, जिसकी वजह से आज गढ़वा में लगभग 4 से 5 घंटों तक जाम देखा गया। मैं बताते चलूँ कि 2 से 3 दिन पहले जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो पिलर बनाया गया है NH 2 पे, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उसका एक पिलर ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से जितनी भी गाड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश को जाती है, जो कोलकाता को जाती है, सारी गाड़ियां डाइवर्ट होकर गढ़वा जिले से होती हुई NH 75 से होती हुई उत्तर प्रदेश की ओर रुक कर रही है, जिसकी वजह से आज लगभग 4 से 5 घंटों तक गढ़वा जिले में जाम देखा गया। बताते चले कि 3 से 4 दिन पहले जो क्षतिग्रस्त पुल हुई है, उसकी वजह से बिहार राजस्व सरकार को 40 लाख रुपए प्रतिदिन के नुकसान भी सहना पड़ रहा है। वहीं जितनी भी गाड़ियां डाइवर्ट हो रही है, उसके लिए एक परिवर्तित मार्ग भी बनाया जा रहा है, जिसके इंजीनियरों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 6 इंजीनियरों की टीम काम कर रही है, साथ ही वहाँ पे 6 से 7 मशीनें काम कर रही है, जिसमें डाइवर्ट रूट परिवर्तित रूट बनाने में लगभग 10 से 15 दिनों का टाइम लगता है। तो इतने दिनों में ये कयास लगाया जा सकता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश को जाती है, जो कोलकाता की ओर जाती है, वो सारी गाड़ियां वहां से डाइवर्ट होकर गढ़वा जिले से होती हुई उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है, जिसकी वजह से लगातार गढ़वा में आज सुबह से ही जाम देखने को मिला। और वहीं प्रशासन के द्वारा भी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ पर, लेकिन इसके बाद से खबरें आ रही है कि प्रशासन भी इस ओर रुक कर रही है, प्रशासन लगातार काम कर रही है ताकि जो जाम का व्यवस्था है, जाम है, बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही है वो कम से कम जाम लगे और गढ़वा जिले के जितने भी लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। जो तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ ये गढ़वा जिले की है, जहाँ NH 75 पे लगातार बड़ी गाड़ियों के आने से जाम लग गया। सुबह यहाँ पे जब सुबह हमें घटना की सूचना मिली थी, इसके बाद हम गए थे तो देखिए लगातार वहाँ पे तकरीबन गिना जाए तो 100 से भी ऊपर गाड़ियाँ एक साथ लगी हुई थी, वहाँ पे लगातार जाम हो पड़ा था, दोनों तरफ से सड़कें बाधित हो गई थी और बड़ी गाड़ियाँ के साथ साथ छोटी गाड़ियाँ भी इस सड़क से डाइवर्ट होकर नहीं पार हो पा रही थी, जिसकी वजह से प्रशासन को इसका सूचना दिया गया। प्रशासन बाकी का काम करने के लिए प्रशासन वहाँ पर आई और एक एक करके धीरे धीरे करके गाड़ियों को खाली कराई। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर NH 75 की है, जहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार से कोलकाता, बिहार से दिल्ली को जोड़ने वाली जो सड़क है, जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसके टूट जाने से ये समस्या आई है। गढ़वा जिले के साथ साथ झारखंड की और भी खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।